भारत पहले चीन से दोस्ती कर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस के बाद अब भारत ने उसके प्रति नरमी की नीति छोड़ दी है। ड्रैगन को जवाब देने के लिए भारत ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। भारत पर हमला करने के लिए चीन लगातार अटैक ड्रोन की तादाद और ताकत को बढ़ा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय सेनाएं भी अब झुंड में हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन से लैस होंगी। रक्षा मंत्रालय ने चौकसी, निगरानी और हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि ड्रोन स्वदेशी निर्माताओं से ही खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को आयोजित हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सशस्त्र बलों के 28,732 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की मंजूरी दी गई है। इनमें स्वार्म ड्रोन के साथ ही क्लोज क्वार्टर कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट समेत अन्य हथियार शामिल है। इन सब हथियारों की खरीद देसी रक्षा कंपनियों से होंगी। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।